भारत में वीवीआईपी सिक्योरिटी के क्षेत्र में एसपीजी सुरक्षा का नाम सबसे ऊपर आता है। आपने एसपीजी सुरक्षा का नाम तो कई बार सुना होगा, जिसकी चर्चा मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से हो रही है। एसपीजी कमांडो देश के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिसमें लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भर्ती हो पाते हैं। इस पद के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो आर्मी की कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इस तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के किसी आम नेता या आम आदमी को नहीं दी जाती। क्या आप जानते हैं एसपीजी का गठन कब हुआ, कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कैसे और कहां और कौन कराते हैं, एसपीजी प्रमुख कौन होता है? आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। ये जानकारी आपको बेहद रोचक लगेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहला सवाल, एसपीजी कमांडो का गठन कैसे किया गया? दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के कारण देश में प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं के लिए सुरक्षा एक मुद्दा बन गया था और विशेष सुरक्षा बल के गठन की जरूरत हो गई थी। इस प्रकार एसपीजी कमांडो का गठन 2 जून 1988 में भारत के एक संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये केंद्र के सभी सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है, जो विशेष नेताओं की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। अब अगला सवाल कि एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है और कहां होती है? आपको बता दें कि एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी से परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। अब अगला सवाल है कि एसपीजी कमांडो के हथियार कैसे होते हैं? एसपीजी कमांडो ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्तल भी होती है। एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं, जो लेवल 3 केवलर की होती है। इसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 केबलर की गोली को भी झेल सकती है। साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि इनके जूते भी काफी अलग होते हैं, ये किसी भी जमीन पर नहीं फिसलते। ये खास तरह के दस्ताने पहने होते हैं, जिससे चोट से उनका बचाव हो सके। ये कमांडोस चश्मा भी पहनते हैं, जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता। अगला सवाल है कि एसपीजी कमांडो की वेतन कितनी होती है? एसपीजी कमांडो को तकरीबन 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जिसमें एसपीजी कमांडो के कई प्रकार की सुविधाएं साथ में मासिक भत्ते भी दिए जाते हैं। अब अगला सवाल है कि एसपीजी के ब्रीफकेस में क्या होता है? एसपीजी सुरक्षा के कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है, पर इसमें कपड़े या बारूद नहीं होते। ये ब्रीफकेस जैसे दिखने वाले एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम ये है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोल कर VIP को कवर कर ले। ये ब्रीफकेस उर्फ बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह से हमले से सुरक्षा करने के लिए समक्ष होता है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है, जिसमें एक पिस्तल मौजूद होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफकेस सुरक्षा ढाल की तरह काम करता है। अब आखिरी सवाल है कि कौन होता है एसपीजी का प्रमुख? आपको बता दें कि एसपीजी के प्रमुख का पद 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए बनाया गया है। एसपीजी फोर्स कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है। इसका प्रमुख डायरेक्टर रैंक का IPS अफसर होता है। इसका मुख्यालय PM हाउस में ही होता है। आपको हमारी ये एसपीजी से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें HCN News। धन्यवाद।